State of War 2024 has officially begun. BJP releasing the first list of 194 candidates for the upcoming Lok Sabha elections. Out of this, the list includes 34 ministers and two former chief ministers as well. BJP, interestingly, has given also a preference to SCST OBC candidates in the list. Prime Minister Narendra Modi's name, of course, was one of the first to be announced to contest from the current constituency, Varanasi in Uttar Pradesh. Home Minister Amit Shah next to fight from Gandhinagar. Rajnath Singh to contest from Lucknow, Uttar Pradesh, and from the same state, Smriti Irani to again contest from Amethi. So these were, of course, the names that were retained. The list has set the stage. Listen in now to the reactions that have come in of the candidates whose names have been announced specifically for the first time with regard to Lok Sabha elections. पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है. राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है. अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ. विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है, फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी ऑनर्ड बिकॉज दिस इज एज यू नो आफ्टर 18 इयर्स ऑफ पब्लिक लाइफ एंड ऑफ सर्विंग इन द राज्यसभा, दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हैव गॉट टू कंटेस्ट इन द लोकसभा एंड दैट आवर प्राइम मिनिस्टर एंड आवर होम मिनिस्टर एंड आवर पार्टी प्रेसिडेंट हैव चोजन टू फील्ड मी एज देयर कैंडिडेट इन the capital of Kerala, Trivandrum, a state that I belong to, state my family comes from, is a great honor. I am very, very excited. I am very happy. मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं. चांदनी चौक सीट से बीजेपी ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल को लोकसभा चुनावों के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है. कितनी चुनौती है सर इस बार? कोई चुनौती नहीं है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम दिल्ली की सातों सीटें जीत रहे हैं, देश में सरकार बना रहे हैं. अब की बार 400 पार. मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे भाजपा नेतृत्व जो तय करेगा, उन मुद्दों को लेकर के हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर मतदाता के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे मोदी गारंटी क्या है और पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने जो काम किए हैं, एक एक काम हम लोगों को बताएंगे जिससे कि और आने वाले 5 सालों में किस प्रकार से भारत का भविष्य सुनहरा होगा उसकी चर्चा सब लोगों के साथ मिलकर के करने वाले हैं. व्यापारी संगठन से आप आते हैं, तमाम व्यापारियों के अलग अलग मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों को भी उठाएंगे? देखिए, ना केवल व्यापारी बल्कि चांदनी चौक के रहने वाले हर व्यक्ति के साथ उसके मुद्दों को हम सुलझाएंगे और ये हमारा वचन है. इंडिया गठबंधन सामने है. वो बेमेल गठबंधन है, वो किसी प्रकार का गठबंधन नहीं है. वो पहले एक दूसरे को कोसते हैं, बाद में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हाथ मिला लेते हैं. चोर चोर मौसेरे भाई, उनका फरेब जाल दिल्ली के लोग जान चुके हैं, लिहाजा उसमें कोई फंसने वाला नहीं है और दिल्ली में 7 सीटें हम जीत रहे हैं. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए. प्रवीण खंडेलवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की 7 लोकसभा पर बीजेपी जो है वो अपनी जीत जो है वो दर्ज कराएगी. बीजेपी अपने मुद्दों को, व्यापारियों के मुद्दों को और दिल्ली के जितने भी मुद्दे उन सबको उठाकर जनता के सामने रखेगी. मैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को 2014 में मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष था और पार्टी ने एक सांसद का टिकट दिया और जनता के और पार्टी के आशीर्वाद से मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का मुझे अवसर मिला. और इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के आयाम स्थापित हुए हैं वो निश्चित रूप से चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के लिए एक नया मील का पत्थर है, क्योंकि 60 वर्षों में जो काम नहीं हो पाए वो मोदी जी की सरकार में पिछले 10 वर्षों में हुए हैं. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे खजुराहो लोकसभा की जनता का पुनः काम करने का अवसर और आशीर्वाद दिया है. बुंदेलखंड की जनता की सेवा करने का पुनः अवसर दिया है. इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और मध्य प्रदेश के 24 सीटों में आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान को विदिशा, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को गुना से ऊपरी सीट से जो प्रत्याशी बनाया है, इस बार हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेंगे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जल्दी होगा, शेष बची 5 सीटें हैं, वो जल्दी होंगी.
बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी की, सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। माननीय ज्योतिरादित्य जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान विदिशा से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, ज्योतिरादित्य जी गुना से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, ऐसे सभी मध्य प्रदेश के जो प्रत्याशी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब, श्री अमित भाई शाह साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी, आप बधाए मड़ीने આજે નિર્ણય કર્યો છે પાર્લામેન્ટરી બોર્ડના બાકીના સભ્યો સાથે અને દરેક રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના પાર્લામેન્ટરી બોર્ડના સભ્યો સાથે મળીને જે નિર્ણય કર્યો છે, મને લાગે છે કે ખૂબ યોગ્ય નિર્ણય છે। ગુજરાતમાં હમણાં સુધી 15 સીટો જાહેર થઈ છે, હજુ 11 સીટો જાહેર કરવાની છે, ટૂંક સમયમાં એમનો પણ નિર્ણય લેવાઈ જશે અને 26-26 સીટ गुजरातमां भारतीय जनता पार्टी ने जीतवानी छे। जब लिस्ट आई तो देखा कि कई नाम कटे हुए हैं, तो क्या जिनके नाम कटे हैं उनकी कार्यशैली से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व खुश नहीं है? तो जब वही खुश नहीं है तो 5 साल का हिसाब कौन देगा जिन लोगों की टिकट कटी है उन सांसदों का? लेकिन जब आप अपने सिटिंग एमपीज को बदलते हो तो उसका भी आपको हिसाब किताब देना चाहिए। क्या वो नाकारा थे कि आप उनको वापस नहीं दोहराना चाहते थे, आपको लगता था कि आपके नाम के बावजूद वो नहीं जीत पाएंगे? तो नरेंद्र मोदी के नाम का जो तथाकथित जादू है, शायद वो इन सीटों पर नहीं चल रहा। ये बनारस पूरी तरीके से कांग्रेस के मिजाज का जो है शहर रहा है। पान, बनारसी पान पर कोई टैक्स नहीं लगता था, बनारसी साड़ी पर कोई टैक्स नहीं लगता था। मोदी जी के समय आप सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, पान वाले पे भी टैक्स लग रहा है, साड़ियों पर भी टैक्स लग रहा है। पहले बनारसी साड़ी पर टैक्स नहीं था, बनारस की साड़ी महंगी हो गई, सब कुछ आज महंगी होती जा रही है। मतलब सब चीज आपके आने से सब चीजें बर्बाद होती जा रही है, काशी की जो परंपराएं ध्वस्त होती जा रही है। Of course, the Congress party also reacting, saying that some of the names retained doesn't help. Even for Varanasi, Ajay Rai is saying that there has been so much inflation that has been reported from Varanasi. It wasn't there earlier as well. So clearly, as you can see, political showdown now escalating, and it is in many ways the poll bugle that has been sounded for 2024 Lok Sabha elections. We are looking at the candidates who have been announced, some of the names that have been announced as well. So whether it's Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah or Minister Smriti Irani, some of these names have been announced again. While there have been like Bansuri Swaraj, Kaushal or Anil Antony, who are the fresh faces who have been given an opportunity.